जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टिच बाय आसवा में। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं अपनी अनमोल के लिए सिंधी फ्रॉक तैयार करने लगी हूँ। मुझे बहुत से व्यूवर्स के कमेंट आए हैं कि आप हमें प्रॉपर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएं, और आज मैं आपको प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे जो जो चीजें चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। डाइगर्स मैंने कपड़ा लिया, लोन फैब्रिक है, और ये सिंधी गला, और ये सिंधी पट्टी है, ये लैस है शीशों वाली सिंधी, और ये सितारों वाली सिंधी पट्टी है ये भी, और ये कुछ शीशे हैं मेरे पास जो कि मैं फ्रॉक के ऊपर इसके इससे इसकी डिजाइनिंग करूंगी, और ये भी मेरे पास ये फीता है, देखिए ये मेरे पास ये भी फीता है। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं ये 3 साल की बच्ची का फ्रॉक तैयार कर रही हूँ। अगर आपने थोड़ी बड़ी बच्ची का यानी कि 6 साल की या 8 साल की बच्ची का फ्रॉक तैयार करना है तो आप उसके लिए ज्यादा कपड़ा लीजिएगा। मैंने 2.5 गज कपड़ा लिया, और फ्रॉक का जो नीचे वाली जो घेरा होता है ना फ्रॉक का, उसका मैं ये साइज रखने लगी हूँ 1 गज। ये देखिए ये 36 इंच है, यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। अब ये मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ फ्रॉक के नीचे वाले घेरे की। ये देखिए ये मेरी कटिंग हो चुकी है। अब ये इसके डबल है, ये देखिए 2 पीस है इसके। अब इनको मैं लैदा लैदा कर लेती हूँ। ये सेंटर से मैंने इसकी कटिंग कर ली, और ये अब फ्रॉक है, ये देखिए ये 2 लेयर्स हो गए, और ये फ्रॉक का ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। अब मैं इसका ऊपर वाला पेटी की कटिंग करती हूँ। फ्रॉक की पेटी हमें चाहिए 10 इंच तैयार, और मैंने इधर से ये देखिए सिलाई का हक रख लिया, आधा इंच इधर से सिलाई का हक रख लिया और आधा इंच इधर से, और मैंने इसे रखा है 11 इंच। पेटी की लंबाई 11 इंच। ये देखें अब मैं इसके 2 पीस बना लेती हूँ, आगे वाला और पीछे वाला लदा लदा कर लेती हूँ। जो कन्नी की साइड होगी ना, ये देखिए ये ऐसे आ जाएगी ऐसे लंबाई में, और जिस तरफ ये कन्नी की साइड होगी ना कपड़े की, उसको आप ऐसे करके थोड़ा सा मोड़ लें। आगे वाले हिस्से जो आगे वाला बंद हिस्सा है ना उसके साथ इसको ऐसे करके मोड़ लें। ये देखें ये मैंने ऐसे मोड़ लिया, कम अज कम 2 इंच मोड़ लें, ये आपकी ये पीछे फ्रॉक की बटन टेक बन जाएगी। अब इसे सेंटर से मैंने काट लिया, ये देखिए हमारी 2 आगे वाली भी और पीछे वाली भी दोनों पेटियां तैयार हो गई हैं। जिसको मैंने मोड़ा होगा वो पट्टी नीचे कर दी है मैंने, और जो बंद है ये देखिए जो आगे वाला हिस्सा बंद है उसे मैंने आगे रखा, और अब मैं इसके कंधे की और गले की कटिंग कर रही हूं। 3 इंच मैंने इसका गला रख दिया, और
3 इंच ही मैंने इसके शोल्डर रख दिए। और 6 इंच इसका कंधा। आप देख रहे हैं कि मैं ये कैसे कटिंग कर रही हूँ। गला अभी नहीं काटूंगी मैं, जब इसके ऊपर पेटी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पेटी लगानी है ना, सिंधी पेटी लगानी है, जब मैं इसके ऊपर इसका गला चिपकाऊंगी तब मैं इसके गले की कटिंग करूंगी। और तब मैं आपको इसके गले की कटिंग भी दिखा दूंगी कि मैंने इसकी गले की कटिंग कैसे की है। अब हमें चाहिए शलवार, जो सिंधी शलवार है अब मैंने वो तैयार कर लिया और मैं उसकी कटिंग करने लगी। अब मुझे ट्राउजर की लंबाई चाहिए 23 इंच और ऊपर से लास्टिक का हक छोड़ के और मैंने 20 इंच इसकी लेंथ रखी है। ये शलवार है और इसके नीचे 3 इंच की पट्टी लगनी है अभी ना, जो सिंधी पट्टी है ना जो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, पहले 3 इंच की वो पट्टी लगेगी तो फिर ये चुनट वाली साड़ी शलवार तैयार हो जाएगी। और ये अब मेरे पास बाजू है, यहां से मुझे 8 इंच बाजू चाहिए। और ये देखिए ये बाजू की कटिंग है। इसके आगे भी मैंने ये चुनर डालनी है साड़ी इधर डाल के, और इसके आगे भी मैंने चौड़ी पट्टी लगानी है। ये मेरे बाजू भी तैयार हो गए हैं। ये साड़ी इधर चुनर डाल जाएगी बाजू के ऊपर। आगे भी और इधर ऊपर भी सारी चुनर डाल जाएगी। ये कपड़ा बस मेरे पास ये इतना कपड़ा बचा और इससे मैंने ये ऊपर की टोपी तैयार करनी है। और जब मैं टोपी तैयार करूंगी तब मैं आपको फिर दिखाऊंगी कि मैंने ये कैसी टोपी तैयार की है। आगे वाली पेटी का साइज ले लिया गले की कटिंग करने के लिए। गला तैयार करूंगी आगे वाली पेटी का फ्रॉक के। ऊपर इक्वल रख लिया चारों तरफ से और अब मैं इसकी रफ सिलाई करने लगी। ये देखें ये फ्रॉक की आगे वाली पेटी तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने गला चिपका दिया और अब मैं इसकी बैक तैयार करती हूँ। ये इसकी बैक है, इसकी मैंने सेंटर में से कटिंग कर ली थी। इसकी बटन टेक, बैक की बटन टेक बनाने के लिए ये देखें इसके 2 लेयर्स हैं ये।
पहले एक पल्ले को इधर में सिलाई लगाती हूँ। कंधे को इस कंधे के साथ जोड़ने लगी। ये फ्रॉक की ऊपर वाली पेटी तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये इसकी बैक है और ये इसका फ्रंट है। मैंने बा आसानी आपको एक एक सिलाई का बता दिया कि कैसे मैंने इसे सिलाई की है, और बहुत ही आसान तरीका है इसे सिलाई करने का। फ्रॉक क्या फेयर है, देखें ये दो फेयर है फ्रॉक के, एक ये और ये दिए। और अब मैं इसको चुनर डालने लगी। पहले मैं इसको रफ चुनर डालूंगी सुई धागे से। इसी तरह ही आपने इसकी ये बैक भी फ्रॉक की, पहले मैंने फ्रंट लगाई है और अब ये बैक चुनर के साथ लगाने लगी हमने। ये देखिए, ये सारा मैंने ये इसका फ्रॉक को जोड़ दिया पेटी के साथ। देखिए ये सारा फ्रॉक जुड़ गया आगे भी और ये पीछे भी। जिन बच्चियों को नई सिलाई आती उनके लिए मैं ये बना रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। आप मेरी पूरी ये वीडियो देखें और जरूर ट्राई कीजिएगा इसको सिलाई करने में। क्या मैं इसके घेरे पे ये पट्टी लगाने लगी, फीता लैस जो मैं लाई हुई हूँ, ये देखिए। अब ये मैं इसको नीचे लगाऊंगी फ्रॉक के दामन पे, जो इसका फेयर है सारा। फ्रॉक की खूबसूरती के लिए इसके ऊपर देखिए ये कलरफुल शीशे हैं। शीशे के अंदर देखिए तीन कलर का वो धागा लगा हुआ है।
पीले कलर का धागा ही, जैसे इसमें कलरफुल है ना पट्टी के अंदर, ऐसे ये शीशे भी कलरफुल है। ये मैं इसके साथ सुई धागे से लगा रही हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, अनमोल का सिंधी ड्रेस तैयार हो चुका है, जिसकी मैंने पहले आपको सारी कटिंग और स्टिचिंग दिखा चुकी हूँ मैं इसकी आपको। और बहुत ही आसान तरीका है ये फ्रॉक सिलाई करने का। ये देखिए जो जो मैंने आपको बताया था, चीजें दिखाई थी इसके ऊपर लगाने के लिए, वो सब चीजें मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं। ये देखिए ये इसके मैंने चुनट वाले बाजू बनाए हैं, और इसके आगे ये वही जो चौड़ी पट्टी मैंने आपको दिखाई थी वो इसके आगे लगाई है, और ये इसके आगे ये मैंने ये थ्रेड वाली वो लैस थी वो लगाई है। ये भी दूसरा बाजू है इसका, और ये देखिए इसके ऊपर मैंने आगे ये शीशे लगा दिए सारे, इसके फेड़ पे जो फ्रॉक का फेड़ है उसके ऊपर सारे मैंने शीशे लगा दिए। देखिए छोटे छोटे शीशे लगा दिए, इस थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया इसकी खूबसूरती के लिए। और ये देखिए ये इसके आगे भी है, नीचे इसके दामन पे मैंने सारी ये देखे ये लगा दिए लैस, और इसके नीचे भी ये वही वाला फीता लगा होगा। और मैं आपको इसकी बैक भी दिखाती हूँ, ये बैक पे मैंने ये इसकी वो ये टिश्यू की मैंने बेल्ट बनाई है, और टिश्यू की बेल्ट लगाई है इसकी बैक पे। अभी थोड़ा सा काम रहता है करने वाला, अभी बटन लगाने हैं मैंने, ये शीशे लगा दिए मैंने बटनों की जगह पे, लेकिन अंदर की तरफ इधर टिच बटन लगाऊंगी मैं। और ऐसे ही ये देखिए इसकी ये चुनट वाली शलवार है, ये पांच छह भी सारे इसको चुनट डाली मैंने, चुनट डाल के और ये नीचे ये पट्टी लगाई है उसके पाँव के, यानी के पाँव के हिसाब से जितना उसका पाँव आसानी से इसके अंदर चला जाए उसके हिसाब से मैंने ये नीचे पट्टी लगा के, और थोड़ा सा ये पाँव अंदर करने के लिए ना ये थोड़ा सा मैंने ये छोड़ दिया, साइड से छोड़ दिया पांचा। अब यहाँ पे जो मैं टिच बटन लगा दूंगी ताकि ये आसानी से पहन सके बच्ची ना, ये देखिए। और ये देखिए ये मैंने इसके लिए देखिए कितनी खूबसूरत टोपी तैयार की है, देखिए बहुत ही प्यारी टोपी तैयार की है मैंने। इस पे भी मैंने ऐसे ही ये स्टार वाली लैस है ये वो लगाई है, और एक लैस इधर लगाई है और एक लैस इधर लगाई है ऊपर, जहाँ पे मैंने ऊपर जो सारी बारीक बारीक चुनर डाल दिया थोड़ी सी इसकी खूबसूरती के लिए, थोड़ी सी मैंने चुनर डाल दिया ऊपर। और ये देखिए ये मेरा ड्रेस आपको कैसा लगा, और जब ये अनमोल पहनेंगी तो उसको कैसा लगेगा। तो ये भी अनमोल का ईद का ड्रेस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।